हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा त्रिपाठी वंस अगेन विद यू एंड दिस इज़ योर इंग्लिश राइटिंग सेशन। और आज हम सीखेंगे हमारा नेक्स्ट लेटर कर्सिव में, लेटर डी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कर्सिव सी लिखना सिखाया था, आज हम कर्सिव में लेटर डी दोनों ही फॉर्म में, कैपिटल एंड स्मॉल में किस तरीके से बनाते हैं सीखेंगे। इसके लिए आपने, आई होप आप सबने बुक्स परचेज कर ली होंगी। माय थर्ड बुक ऑफ हैंड राइटिंग का पेज नंबर 16 ओपन कीजिए और देखिए हमारा लेटर डी की फॉर्मेशन किस तरीके से हमें करनी है। पहले ट्रेस करेंगे और उसके बाद विदाउट एनी हेल्प इसे बनाएंगे। सबसे पहले स्लांटिंग लाइन, देन कर्व लाइक दिस, slanting line, then down to a curve like this, slanting line like this। ये है हमारा कैपिटल डी। इस तरीके से ट्रेस करने के बाद एक बार देख लेते हैं, slanting line, then down to a curve like this, slanting line, then like D। इस तरीके से slanting line, then curve। एक बार फिर से देख लेते हैं, slanting line, then curve, slanting line, then curve। आपको इसी तरीके से लेटर डी कैपिटल फॉर्म में कर्सिव में बनाने की प्रैक्टिस करनी है, पेज नंबर 16। अब बात करते हैं हमारे स्मॉल कर्सिव डी की। सबसे पहले आप डाउन टू अप इस तरीके से कर्व, देन रिपीट, देन डाउन टू अप, देन आप इसी तरीके से ट्रेस कीजिए। पहले ट्रेस करेंगे इस तरीके से और उसके बाद विदाउट एनी हेल्प डाउन टू अप, रिपीट, अप, अगेन अप टू डाउन, देन कर्व। डाउन टू अप, देन रिपीट, डाउन टू अप अगेन, अगेन रिपीट एंड दिस। आपको इस तरीके से कर्सिव लेटर डी की फॉर्मेशन करनी है। एक बार फिर से देख लेते, डाउन टू अप नीचे से ऊपर जाते हुए, फिर रिपीट करेंगे इस तरीके से और एक बार ऊपर लेकर जाएंगे, यानी डाउन टू अप, अगेन अप टू डाउन, एंड देन कर्व लाइक दिस। इसी तरीके से बच्चों आपको पेज नंबर 16 और 17 अपनी बुक में कंप्लीट करना है, कर्सिव लेटर डी इन कैपिटल फॉर्म एंड स्मॉल फॉर्म, बोथ फॉर्म में आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये था आपका आज का होमवर्क। बाय बाय, विल मीट अगेन।